हेलो गाइस, वेलकम टू डूअर क्लासेस। डूअर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं ओम प्रकाश आज आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल लेके आया हूँ और आज का डे है थर्सडे, अक्टूबर 4, 2018। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक जो चूज़ किया गया है वो है नो स्वीपिंग चेंज, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं। ठीक है, स्वीपिंग का मतलब होता है हैविंग एन इफेक्ट ऑन लार्जर पार्ट, किसी बड़े क्षेत्र पर अगर प्रभाव पड़ता है उसे कहते हैं, उस प्रभाव को, उस दायरे के प्रभाव को जो है स्वीपिंग कहते हैं। ठीक है, तो नो स्वीपिंग चेंज मतलब कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं। ठीक है, यहाँ पर चेंज की बात हो रही तो परिवर्तन कहेंगे। द स्वच्छ भारत मिशन नीड्स अ ब्रॉडर विजन ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट्स क्लीनलीनेस। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन को नीड्स, आवश्यकता है अ ब्रॉडर विज़न, एक बड़े विज़न की। कैसा विज़न, किस चीज़ का विज़न, ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट्स क्लीनलीनेस, जिसमें कंस्टिट्यूट, जो कि कंस्टिट्यूट करता हो, शामिल करता हो क्लीनलीनेस, साफ़ सफाई को। तो साफ़ सफाई को शामिल करने वाले एक व्यापक विचार, व्यापक विज़न, व्यापक दृष्टिकोण की क्या है, स्वच्छ भारत मिशन को आवश्यकता है। ठीक है, तो क्या है कि अभी 2 अक्टूबर को वही टारगेट था, जो कि मतलब कहने का 2 अक्टूबर तक कुछ पर्टिकुलर टारगेट स्वच्छ भारत मिशन में इनको अचीव करना था, तो वो 2 अक्टूबर के बाद फाइनली जो अब ये यहाँ पर आउटकम्स आ रहे हैं उसी को इस एडिटोरियल में बता दिया गया है कि कितना ये सक्सेस हुई है, कितना परिवर्तन हुआ है और इसके लिए किस लेवल तक हमें और प्रयास करना पड़ेगा, अपने एफर्ट्स को जारी रखना पड़ेगा ताकि हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें और अपनी कंट्री को सैनिटाइज कर सकें और पॉल्यूशन फ्री, या कह सकते हो ODF, ओपन डिफिकेशन फ्री कर सकें। वो सारी चीज़ें जो हैं इस एडिटोरियल में डिस्कस की गई हैं। तो आइए पढ़ते हैं। एडिटोरियल की लैंग्वेज बहुत ईजी है, आप अपने से भी पढ़ सकते हो। आप देख लीजिए कि आपके पढ़ने में, हमारे पढ़ने में कितना डिफरेंस होगा माइन्यूट सा। ठीक है, आज के एडिटोरियल में तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंडियाज स्वच्छ भारत मिशन, भारत का जो स्वच्छ भारत मिशन है, इज़ रिसीविंग ग्लोबल प्रेज, वो प्राप्त कर रहा है ग्लोबल प्रेज मतलब वैश्विक प्रशंसा, विश्व भर में प्रशंसा प्राप्त कर रहा है। फॉर किस चीज़ के लिए, फॉर अटेम्प्टिंग मतलब प्रयास के लिए, अटेम्प्टिंग टू क्लोज द सैनिटेशन गैप, साफ सफाई का अंतर को समाप्त करना, ऑफ नियरली 60% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, ग्रामीण जनसंख्या के लगभग 60% के बीच में जो साफ सफाई का अंतर है उसको साफ, उसको क्या करने के, उसको ख़त्म करने के प्रयास के लिए वैश्विक रूप से प्रशंसा की जा रही है भारत के स्वच्छ भारत मिशन की। ठीक है, कैसे 60% लोग, ग्रामीण क्षेत्र के 60% लोग, नॉट हैविंग एक्सेस टू टॉयलेट, जिनके पास एक्सेस नहीं है, पहुंच नहीं है टू अ टॉयलेट, एक टॉयलेट की एट होम, घर पे, इन 2014 में, 2014 की समय की बात बता रहे हैं कि 2014 में लगभग 60% ग्रामीण जनसंख्या के ऐसे लोग थे जिनके पास टॉयलेट की पहुंच नहीं थी। तो उनको, उनके बीच में जो सैनिटेशन का गैप है, क्लोज द गैप का मतलब होता है क्लोज द डिफरेंस और मेक द डिफरेंसेज मोर स्मॉलर या मच स्मॉलर, मतलब कहने का जैसे दो लोग हैं या फिर दो कोई चीज, अलग अलग चीज़ें हैं, उनके बीच का जो अंतर है उसको और कम कर देना, उसको कहते हैं क्लोज द गैप, या फिर कह सकते हैं खामियों को दूर कर देना। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र की 60% जो जनसंख्या थी 2014 में, उनके पास एक्सेस नहीं थी टॉयलेट की, तो उनको, उनके जो सैनिटेशन गैस, जो साफ सफाई का अंतर था, जो खामियां थी साफ सफाई की, उनको समाप्त करने के प्रयास के रूप में जो मतलब जो अटेम्प्ट किए गए, जो प्रयास किए गए, उसकी वैश्विक रूप से मतलब कहने का प्रशंसा, उसके लिए क्या, वैश्विक रूप से प्रशंसा प्राप्त कर रहा है स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, प्रेज फॉर डूइंग समथिंग, प्रेज फॉर डूइंग समथिंग, किस चीज़, कोई काम करने के लिए प्रशंसा करना, तो देखिए यहाँ पे फॉर डूइंग समथिंग आ रहा है, या तो प्रेज टू डू समथिंग कर दीजिए या तो फिर प्रेज फॉर डूइंग समथिंग ये कर सकते हैं, और अटेम्प्ट टू डू समथिंग ये भी होता है, अटेम्प्ट के बाद भी टू प्रीपोजिशन फॉलो होता है इन्फिनेटिव। ठीक है, अटेम्प्ट टू डू समथिंग, अटेम्प्ट टू क्लोज द सैनिटेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इन 2014 ईयर के पहले प्रीपोजिशन इन आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द NDA गवर्नमेंट इन्वोक्ड, इन्वोक का मतलब होता है आह्वान करना, याद करना। ठीक है, मतलब कहने का NDA सरकार ने याद किया महात्मा गांधी विजन, महात्मा गांधी के उस विचार को, ऑफ क्लीन एंड हेल्दी कंट्री, एक साफ़ सुथरी और मतलब कहने का स्वस्थ
देश की, है ना, मतलब कहने का जो साफ सुथरे और स्वस्थ देश का जो गांधी जी का विचार था उसका आह्वान किया, उसको याद किया एनडीए गवर्नमेंट ने, वैन जब इट लॉन्च्ड, उसने लॉन्च किया द एम्बिशियस प्रोग्राम, इस महत्वाकांक्षी योजना को, महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को उन्होंने लॉन्च किया। तो इसको लॉन्च करते वक्त एनडीए गवर्नमेंट ने किया महात्मा गांधी जी के उस विचार को, साफ सफाई और स्वस्थ देश के विचार को उन्होंने याद किया। तो देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अ क्लीन एंड हेल्दी कंट्री, कंट्री तो सिंगुलर है, ठीक है, अपने देश की बात कर रहे थे, और क्लीन एंड हेल्दी ये दो एडजेक्टिव जो हैं किसके लिए आ रहे हैं, कंट्री के लिए आ रहे हैं ना, दोनों ही एंड से जुड़े हैं, ठीक है, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्टिकल ए आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है, जब आप ये दोनों ही मतलब एडजेक्टिव दो अलग अलग चीज़ें के लिए डालते हो तो वहाँ पर क्या है, आर्टिकल दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर एक ही नाउन के लिए आप मतलब कहने का दोनों एडजेक्टिव डालते हो तो आर्टिकल एक बार आएगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ, आप ऐसे समझिएगा कि अ ब्लैक एंड ब्लू कार, मतलब कहने का एक ही कार है और वो ब्लैक भी है और ब्लू भी है, लेकिन मैं अगर कहूँ कि अ ब्लैक एंड अ ब्लू कार, तो उसका मतलब क्या हो गया कि एक ब्लैक कार वो अलग है और एक ब्लू कार वो अलग हो गई, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कि अगर आप एक का सेंस दे रहे हो तो आर्टिकल एक में लगाओगे, अलग अलग का देना है तो फिर अलग अलग एडजेक्टिव में आर्टिकल आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, उस हिसाब से आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में ध्यान देना है आर्टिकल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो आर्टिकल वगैरह चैप्टर जो है अच्छे से आप रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है, तो पूरा मीनिंग यहाँ से यहाँ तक देखेंगे। एनडीए सरकार ने आह्वान किया महात्मा गांधी के एक साफ सफाई और स्वस्थ देश के विचार को जब उसने एम्बिशियस प्रोग्राम इस महत्वाकांक्षी योजना की लॉन्च किया था, ठीक है ना। ऑन द ईवे ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द ईवे ऑफ, ये फ्रेज है इसको याद रख लीजिए, ऑन द ईवे होता है पूर्व संध्या पर, मतलब कहने का जैसे अगर इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है तो 15 अगस्त, और 15 अगस्त की पूर्व संध्या मतलब 14 अगस्त की शाम या 14 अगस्त ऐसे कह सकते हैं, या तो इसके पहले का दिन या फिर उसके पहले के दिन की शाम, उसको कहते हैं ऑन द ईवे ऑफ, पूर्व संध्या पर। तो क्या मतलब पढ़ेंगे इसको, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गांधी सौ, गांधी ने क्या देखा, सॉ द लैक ऑफ सेंस ऑफ नेशनल और सोसाइटल सैनिटेशन, राष्ट्रीय और सामाजिक, सैनिटेशन होता है साफ सफाई, मतलब राष्ट्रीय और सामाजिक साफ सफाई का जो भाव है उसमें अभाव देखा, किसने, गांधी जी ने, ठीक है, एज कैसे, एज द रूट ऑफ ऑल डिसीज, कि ये क्या है, रूट है, जड़ है ऑफ ऑल डिसीजेस, सारी सारी बीमारियों की, अमंग इंडियंस, भारतीयों के बीच में, भारतीयों के बीच में सारी बीमारियों की जो जड़ है उसको क्या, कौन है वो, मतलब सामाजिक साफ सफाई और राष्ट्रीय साफ सफाई का जो भाव की अभाव है, मतलब कहने का जो राष्ट्र और समाज में साफ सफाई का अभाव है, यही मुख्य कारण है भारतीयों के बीच में जितनी सारी बीमारियां हैं उनका, ठीक है। गांधी जी ने ऐसा देखा कब, इंडिपेंडेंस के ईवे अवसर पे, मतलब कहने का पूर्व संध्या पर, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड अ स्वच्छ मूवमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की स्वच्छ मूवमेंट, स्वच्छ आंदोलन की इन 2014, 2014 में, देख रहे हैं ईयर के पहले इन प्रिपोजिशन आ रहा है ना, टू चेंज दैट, ये परिवर्तन करने के लिए दैट एंड मतलब दैट क्या, इस स्थिति को, ये जो बीमारियां हैं या फिर साफ सफाई की स्थिति है सामाजिक या राष्ट्रीय रूप से, इसको, इस चीज़ को चेंज करने के लिए इन्होंने क्या किया, 2014 में स्वच्छ मूवमेंट की शुरुआत की, कॉमा एंड और 4 ईयर्स लेटर, 4 वर्ष बाद, आफ्टर 4 ईयर्स लिखेंगे या 4 ईयर्स लेटर लिख दीजिए, है ना, तो थोड़ा सा चेंज करिए अपने लैंग्वेज के सीखने में, तो इससे क्या होगा कि इम्प्रूवमेंट होगा आपके अंदर, 4 ईयर्स लेटर, 4 साल बाद, द आउटकम्स, जो नतीजे हैं शो दिखाते हैं, आउटकम रिजल्ट होता है परिणाम, तो यहाँ पर क्या होगा, आउटकम्स प्लूरल है इसलिए शो आया है, ठीक है, ये परिणाम दिखाते हैं दैट की अचीविंग सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन को प्राप्त करना, सोशल सामाजिक परिवर्तन को प्राप्त करना इज़ फार फ्रॉम ईजी, आसान से भी कहीं दूर है, आसान शब्द से बहुत दूर है ना, फार डिस्टेंस है। तो यहाँ पर अचीविंग क्या है आपका, ये जीरेंड हो गया, अब सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है ना, अचीव प्राप्त करना किस चीज़ को, सोशल सामाजिक चेंज को प्राप्त करना इज़, ये है क्या, फार फ्रॉम ईजी, आसानी से तो बहुत दूर है, ठीक है। फॉर द बीजेपी लेड गवर्नमेंट एट द सेंटर, एट द सेंटर केंद्र में, ठीक है, बीजेपी लेड गवर्नमेंट, बीजेपी लेड गवर्नमेंट का मतलब होता है बीजेपी द्वारा संचालित सरकार, ठीक है, बीजेपी लेड गवर्नमेंट, तो फॉर द बीजेपी गवर्नमेंट लेड गवर्नमेंट एट द सेंटर, केंद्र में बीजेपी द्वारा संचालित सरकार के लिए, फॉर लिखा है ना, तो के लिए द SBM स्वच्छ भारत मिशन इंजॉयज आर्गुएबली द हाइएस्ट प्रियोरिटी,
स्वच्छ भारत मिशन जो है वो आनंद लेता है आर्गुएबली तार्किक रूप से सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता का आनंद कौन लेता है? स्वच्छ भारत मिशन। मतलब कहने का कि स्वच्छ भारत मिशन को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता प्रियोरिटी दी गई है बीजेपी द्वारा संचालित केंद्र की सरकार में, ठीक है। एंड अ 6,400 करोड़ फंड और 16,400 करोड़ रुपए का पैसा वाज रेज्ड माने कलेक्टेड फॉर इट, इसके लिए ड्यूरिंग 2015 टू 17, 15 से 17 के बीच में, वैन अ स्पेशल सेस, एक विशेष सेस माने टैक्स वाज इन फोर्स मतलब क्रियान्वयन में था। तो ये चीज़ है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये जो रेज आया, रेज रेज का मतलब होता है कलेक्ट करना, ठीक है। तो रेज का मतलब कई होते हैं, एक तो रेज माने उठाना हो गया, एक रेज का मतलब पालन पोषण करना हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं। और एक यहाँ पर आपने देखा रेज का मतलब क्या हो गया, रेज का मतलब यहाँ पे कलेक्ट करना होगा, इकट्ठा करना। तो पूरा मीनिंग अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो बीजेपी द्वारा संचालित केंद्र सरकार के लिए स्वच्छ भारत मिशन ही प्राथमिक सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी इसी को, और 16,400 करोड़ रुपए का जो फंड है वो इकट्ठा किया गया था 2015 से 17 के दौरान, जब एक विशेष टैक्स को क्रियान्वयन में लाया गया था। मतलब कहने का कि टैक्स के रूप में इसमें से भी इसके लिए भी कुछ पैसा कटता रहा होगा, इसीलिए स्पेशल सेस वाज इनफोर्स, इनफोर्स होता है क्रियान्वयन में, वाज इन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इनफोर्स क्रियान्वयन में मतलब होता है, ये फ्रेज है। तो कभी आता है ऑन फोर्स कर देगा तो गलत हो जाएगा, इन फोर्स ही होगा, ठीक है ना। कोई चीज़ क्रियान्वयन में है तो इन फोर्स होगा, इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे ऑन द ईवे ऑफ आया था उसमें भी प्रीपोजिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आर्टिकल में छेड़खानी नहीं कर सकते हो आप। ऑन द ईवे ऑफ है तो इन द ईवे ऑफ या इन ईवे ऑफ, इन अ ईवे ऑफ नहीं हो सकता, द ही होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। ऑन गांधी जयंती दिस ईयर, गांधी जयंती के अवसर पर दिस ईयर, इस साल देख लो, ऑन गांधी जयंती दिस ईयर, तो दिस ईयर अब ये नहीं है कि गांधी जयंती ऑन एट दिस ईयर, ऑन दिस ईयर बिना भी किसी प्रीपोजिशन के टाइम एडवर्ब जुड़ा है यहाँ पर, है ना। तो इस वर्ष गांधी जयंती पर अब अवसर लिखा है तो ऑन गांधी जयंती लिखा है, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, तो ऑन गांधी जयंती इसी हिसाब से, ठीक है। तो ऑन गांधी जयंती, गांधी जयंती पर दिस ईयर, इस साल स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण विंग, जो ग्रामीण विंग है मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली टीम स्वच्छ भारत मिशन की, डिक्लेयर्ड, उसने घोषणा की कि इट हैज़ कंस्ट्रक्टेड, कि इसने निर्माण कर दिया, इट कौन, स्वच्छ भारत मिशन ने हैज़ कंस्ट्रक्टेड, निर्माण किया है 86.7 मिलियन इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैटरिंस। मतलब कहने का 86.7 मिलियन के आसपास इंडिविजुअल हाउस होल्ड, प्रत्येक परिवार को लैटरिंस प्रोवाइड कराई है, निर्माण कराया है। एंड और रेज्ड सैनिटेशन एक्सेस, और बढ़ाया है, यहाँ पर बढ़ाना मतलब होगा, वहाँ पे मतलब क्या था, रेज का मतलब था कलेक्ट करना, ठीक है। एंड रेज्ड सैनिटेशन, और साफ सफाई को बढ़ाया है, सैनिटेशन एक्सेस, साफ सफाई को जो पहुँच है, जो साफ सफाई की पहुँच को रेज बढ़ाया है 94% तक इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में। मतलब कहने का कि गांधी जयंती के अवसर पर इसी वर्ष जो ये स्वच्छ भारत मिशन की ग्रामीण विंग है, उसने अभी हाल ही में 2 अक्टूबर को क्या किया, ये डिक्लेयर किया है कि इसने 86.7 मिलियन इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैटरिंस बनाई हैं, और साफ सफाई की जो एक्सेस है, पहुंच है, उसको बढ़ा करके 94% तक ले गई है रूरल एरिया में। तो ये आंकड़े आ सकते हैं कि हाल ही में 2 अक्टूबर जो हुआ था, इसमें मतलब कहने का रूरल विंग ने कुछ रिपोर्ट जारी की हैं, तो कितनी इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैटरिंस बनी है, तो 86.7 मिलियन, और कितने सैनिटेशन एक्शन कितने परसेंट तक हो गई है ग्रामीण क्षेत्रों में, 94% तक। तो ये आपकी जो है करंट की क्वेश्चंस बन सकते हैं। 5,07,369 विलेजेस आर नाउ ओपन डिफिकेशन फ्री, और कितने गांव अब मतलब है हाल ही के जो 2 अक्टूबर में रिलीज हुई है डाटा, उसके अकॉर्डिंग कितने गांव जो हैं ODF हैं, मतलब ओपन डिफिकेशन फ्री हैं, तो 5,07,369 विलेजेस आर नाउ ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले से शौच मुक्त हैं, ठीक है ना। तो ODF स्कीम जो है उसके बारे में भी मतलब यही है, ओपन डिफिकेशन फ्री इसका फुल नेम होता है, कभी पूछा जाए तो ODF से, ऐसा नहीं कि आप अनभिज्ञ रहें, ठीक है, अननोन रहें। ऑन द फेस ऑफ इट, इन सभी बातों को देखते हुए, ऑन द फेस ऑफ मतलब असल में क्या होता है, ऑन द फेस ऑफ इट ये पर्टिकुलर फेज है, इसके कोई ऐसे फ्रेजेस के बहुत मीनिंग नहीं होते हैं, ये जगह के साथ बदलते रहते हैं इनकी मीनिंग, लेकिन इनका थीम क्या होता है, मकसद क्या होता है इनका, मतलब क्या होता है, टारगेट क्या होता है लिखने का, वो आप समझेंगे तो आप इनका मीनिंग अपने सेंस में निकाल पाएंगे।
इसका मतलब ये होता है जैसे कि आप कोई चीज़ कह रहे हो तो आप कुछ और मानते हो, लेकिन किसी पर्टिकुलर मुद्दे को विचार करने के बाद आपका थोड़ा सा ओपिनियन चेंज हो जाता है। तो ऑन द फेस ऑफ इट इस मुद्दे को देखते हुए ये पढ़ लीजिए, चाहे इस पर विचार करते हुए ये पढ़ लीजिए, मतलब सेंस आपका क्लियर होना चाहिए। आप उसका फ्रेज, ये जो फ्रेज होते हैं इनका वो बहुत कोई विशेष पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता, ठीक है, बस ये क्या फीलिंग को बताते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए दिस इज़ अ बिग एडवांस, ये क्या है, एक बहुत बड़ी पहल है, ठीक है ना। इस बट देयर इज़ अ नीड फॉर अ क्लोज ऑडिट टू ऑफ द आउटकम्स, मतलब कहने का, लेकिन यहाँ पर देयर इज़ ए नीड, आवश्यकता है फॉर अ क्लोज ऑडिट, क्लोज ऑडिट मतलब कि बहुत ही संकीर्ण जांच की ऑफ द आउटकम्स, परिणाम जो भी परिणाम आए हैं उनके थोड़ा सा अध्ययन, ऑडिट की, जांच पड़ताल की आवश्यकता है। इन सम स्टेट्स, कुछ राज्यों में, सच एज राजस्थान, जैसा कि राजस्थान में एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन शोज, स्वतंत्र वेरिफिकेशन जांच यह दिखाती है दैट कि द सोशल चेंज, जो सामाजिक परिवर्तन है, कैसा सामाजिक परिवर्तन, फिर दैट क्लॉज डाला, दैट द SBM होप्स टू अचीव, जिसकी स्वच्छ भारत मिशन आशा करता है प्राप्त करने की, वह सोशल चेंज जिसको प्राप्त करने की स्वच्छ भारत मिशन आशा करता है, ऐसा मतलब कहने का, ये सोशल चेंज क्या है, रिमेन्स इल्यूजिव, वो बना हुआ है इल्यूजिव, इल्यूजिव का होता है डिफिकल्ट टू फाइंड, जिसे प्राप्त करना मुश्किल हो, ठीक है। तो ये सामाजिक परिवर्तन मुश्किल बना हुआ है, जिसे प्राप्त करना मुश्किल है अभी भी, कैसा सामाजिक परिवर्तन, जिसको प्राप्त करने की ये स्वच्छ भारत मिशन आशा करता था जिसको प्राप्त करने की, वो सामाजिक परिवर्तन अभी भी इल्यूजिव, डिफिकल्ट बना हुआ है, अभी भी ये परफेक्ट नहीं है। सोशल चेंज क्या है, सिंगुलर है, इसलिए रिमेन्स लगा हुआ है। इस सोशल चेंज के लिए ये मेन वर्ब है और ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। बना हुआ है क्या, इल्यूसिव बना हुआ है, इल्यूसिव क्वालिटी होगी सोशल चेंज की। सोशल चेंज कैसा है, तो ये पूरा का पूरा इन्होंने क्या है, यहाँ पे पूरा का पूरा क्लॉज डाल दिया जो इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। तो ये क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज, इसकी विशेषता बता रहा है कि कैसा सोशल चेंज है, और ये इसकी मेन वर्ब, तो सेंटेंस क्या होगा, द सोशल चेंज रिमेन्स इल्यूसिव, सामाजिक परिवर्तन कैसा बना हुआ है, डिफिकल्ट टू फाइंड, मतलब कहने का जिसे अभी भी पाना मुश्किल है, ऐसा बना हुआ है, और सामाजिक परिवर्तन क्या, वो ऊपर लिख ही दिया, ठीक है। और अब यहाँ से कनेक्ट करिए, राजस्थान में क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ये दिखाते हैं कि सामाजिक परिवर्तन मुश्किल बना हुआ है, और क्या दिखाते हैं, एंड ट्रेडिशनली ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़, और जो परंपरागत रूप से ऑप्रेस्ड होता है दबी कुचली कम्युनिटीज़, माने समुदाय जो नीची कास्ट के लोग हैं वो, उन्हें कह सकते हो आप, या तो फिर जो उन्नति नहीं हो पाई है जिनकी, है ना। ट्रेडिशनली ऑप्रेस्ड कम्युनिटी, जो परंपरागत रूप से दबी कुचले समुदाय हैं, कंटिन्यू टू मैन, वो लगातार क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू टू मैनुअली रिमूव फील्ड, मैनुअली मतलब कहने का हाथ से रिमूव निकालते हैं, फील्ड, फील्ड माने कचरा, फ्रॉम ड्राई लैटरिंस, जो सूखी लैटरिंस हैं वहाँ से, यूज्ड बाय, जो जिनका प्रयोग किया जाता है, यूज्ड बाय अपर कास्ट, अपर कास्ट के लोगों के द्वारा, अपर कास्ट के लोगों के द्वारा यूज की जाने वाली जो ड्राई लैटरिंस हैं उससे, हाथ से अभी भी दबे कुचले जो कम्युनिटी के लोग हैं वो क्या करते हैं, फील्ड, कचड़े को निकालते हैं। फील्ड जो होता है अनकाउंटेबल होता है, ये चीज़ याद रखना, कचड़ा, ठीक है ना। इसी पे क्वेश्चन बन जाता है, फील्ड आर लिख देगा, इज करना पड़ेगा ना, ये चीज़ ध्यान देना। देयर आर रिपोर्ट्स, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं ऑफ सिमिलर सिचुएशन, इसी प्रकार की स्थिति की, प्रिवेलिंग इन, जो व्याप्त है, सम पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश टू, मध्य प्रदेश में भी, मतलब कुछ रिपोर्ट्स हैं इसी प्रकार की सिचुएशन की, हाथ से निकालने वाले। अभी हाल ही में आपने देखा ना कि 10 लोग मर गए थे, पता नहीं उड़ीसा में भी कहीं मरे थे और फिर दिल्ली में भी कुछ लोग मर गए थे इस तरह। तो ये केस, इसका एक एडिटोरियल आया था जिसमें मैंने पढ़ाया था, तो मैनुअल स्कैवेंजिंग करके कुछ था, हाथ से मतलब कहने का कचरा साफ करना, तो वो काफ़ी बड़ा टॉपिक था जिसमें काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये होती रहती है, तो हम पहले भी इस पर एडिटोरियल पढ़ चुके हैं और आज ये फिर से इस मुद्दे को यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो दे आर रिपोर्ट्स, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि सिमिलर सिचुएशन व्याप्त है कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में और मध्य प्रदेश में भी, ठीक है। व्हाट दिस शोज इज, क्या ये दिखाता है, जो चीज़ ये दिखाता है इज दैट, वो ये है कि द वेरी इविल्स, जो सबसे बुरी चीज़ है, कैसी सबसे बुरी चीज, दैट गांधी वांटेड टू सी चेंज, जिसे गांधी चाहते थे बदलना, मतलब कहने का जिसे गांधी बदलना चाहते थे, वो सबसे बुरी चीज़ किस चीज़ की, ऑफ सम कास्ट, कुछ जातियों की, कंडेम्ड टू डू सच वर्क, कंडेम्ड माने विवश हैं, जिन्हें पनिशमेंट के रूप में मिलता है, जो विवश हैं टू डू सच वर्क, ऐसा काम करने के लिए, बाय अदर्स, दूसरे लोगों के द्वारा, दूसरे लोगों के द्वारा विवश हो जाते हैं ऐसा काम करने के लिए, और इस चीज़ को गांधी जी बदलना चाहते थे। यह बुराई
persists, persist मतलब continue to exist, अभी भी व्याप्त है। तो आपको पढ़ना क्या है कि जो चीज़ यहाँ what this constitute, ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो ऊपर बताया गया ये क्या दिखाता है, वो ये दिखाता है कि जो सबसे बड़ी बुराई है वो क्या है, persists, persist माने अभी भी व्याप्त है। बुराई क्या, जिसको गांधी जी बदल जिसे गांधी जी बदलना चाहते थे, और किसे बदलना चाहते थे, ये हाइफ़न लगा के इन्होंने डाला है, बल्कि कुछ कास्ट के लोगों को, जो मतलब कहने का जो विवश हो जाते हैं, मतलब कहने का कुछ लोगों के द्वारा ऐसा काम करने के लिए, इस चीज़ को गांधी जी बदलना चाहते थे, और यही बुराई जो है क्या है, द वेरी इविल, ये अभी बुराई क्या है, परसिस्ट, अभी भी व्याप्त है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। बिसाइड्स मेकिंग सैनिटेशन अ मूवमेंट, बिसाइड्स के अलावा मेकिंग सैनिटेशन अ मूवमेंट, साफ़ सफाई को बनाना अ मूवमेंट एक आंदोलन, थ्रू द प्रोविज़न, प्रोविज़न माने प्रावधान, प्रावधान को ही कह सकते हो आप हिंदी में, और ज़्यादा शुद्ध हिंदी का हो अगर मतलब अपनी बोलचाल की भाषा में तो नियम कानून कह सकते हो, प्रावधान ऑफ वेल डिज़ाइंड टॉयलेट, अच्छे से नियोजित टॉयलेट्स एंड बिहेवियर चेंज, और आदतों में परिवर्तन इन रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत में। तो ग्रामीण भारत में वेल डिज़ाइन टॉयलेट और बिहेवियर में चेंज के जो नियम एवं प्रावधान हैं उनके माध्यम से साफ़ सफाई में आंदोलन को, साफ सफाई का आंदोलन लाने के अलावा, अलावा मतलब बिसाइड्स मतलब के अलावा, इसके अलग से, इसके बाद द स्वच्छ भारत मिशन शुड हैव ए ब्रॉडर विज़न, स्वच्छ भारत मिशन के पास क्या होना चाहिए, शुड हैव ब्रॉडर विज़न, इसके पास और व्यापक नज़रिया होना चाहिए था, ऑफ किस चीज़ का, ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट्स क्लीनलीनेस, जिसमें साफ सफाई भी शामिल हो। ठीक है, तो वेल डिज़ाइन टॉयलेट और बिहेवियर चेंज जो ग्रामीण भारत का है उसमें बिहेवियर, उस वहाँ के बिहेवियर में चेंज के जो प्रावधान है, इसके माध्यम से, प्रोविज़न के माध्यम से, मतलब कहने का साफ सफाई के लिए एक मूवमेंट को लाना, इसके अलावा जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके पास एक बहुत बड़ा विज़न होना चाहिए था जिसमें साफ सफाई भी शामिल हो, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। द सेंटर एजर्ट्स दैट, सेंटर ने कहा है दैट कि अर्बन टॉयलेट कवरेज इज नाउ 87% ऑफ द टारगेट, जो शहरी टॉयलेट का कवरेज है वो कहाँ है, वो 87% हो गया है हमारे लक्ष्य का, एंड और नियरली 3/4 ऑफ द वार्ड्स इन द कंट्री, जो देश के वार्ड्स हैं, वार्ड्स माने स्थान कह सकते हो, कोई रूम होता है लेकिन यहाँ देश में कह रहे हैं तो देश में फिर स्थान है, ऑफ 3/4, 3/4 जो स्थान है शहरी क्षेत्रों के देश के, है वहाँ पर क्या है, हैव डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट, नगर निगम के कचड़े का डोर टू डोर कलेक्शन है। ठीक है, बट लेकिन द लाइव्ड एक्सपीरियंस, द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ सिटी ड्वेलर, सिटी में निवास, ड्वेलर होता है निवास करने वाले, सिटी में रहने वाले लोगों का जो रहने का अनुभव है, स्पेशली विशेषकर इन द बिगर मेट्रोज, विशेषकर कहाँ, बड़ी मेट्रो सिटीज़ में, इज़ डिफरेंट, वो बिल्कुल ही अलग है। ठीक है ना, तो पूरा मीनिंग क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, कि केंद्र ने कहा है कि अर्बन टॉयलेट का कवरेज 87% हो गया है हमारे टारगेट का, हमने 87% अपने टारगेट का पूरा कर लिया है, एंड और लगभग 3/4 जो जगह है देश की वहाँ पर डोर टू डोर कलेक्शन, म्यूनिसिपल वेस्ट की कलेक्शन का सिस्टम हो गया है, लेकिन जो लिव्ड एक्सपीरियंस मतलब कहने का जो शहर में रहने वाले लोगों का जो खुद का अनुभव है, विशेषकर इन द बिगर सिटी मेट्रोज, कहाँ पर, विशेषकर मेट्रो सिटीज़ में, वो बिल्कुल अलग है। क्या है अलग, आगे बता रहे हैं, वेस्ट वॉल्यूम्स कंटिन्यू टू ग्रो, जो वेस्ट का आकार है मतलब कचड़े का जो आकार है, वॉल्यूम है, कंटिन्यू टू ग्रो, वो लगातार बढ़ता जा रहा है ना, एज क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ स्पर्स एजम्पशन, मतलब कंजम्पशन, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है मतलब कहने का आर्थिक वृद्धि, स्पर्स माने प्रमोट या बढ़ाती है, कंजम्पशन माने खपत, आर्थिक वृद्धि, जैसे जैसे आर्थिक वृद्धि हो रही है वैसे वैसे खपत बढ़ रही है, इसलिए जो वेस्ट का वॉल्यूम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। द लॉज ऑन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, नगर निगम के मतलब सॉलिड वेस्ट को लेकर जो कानून है, नियम है, प्रोटेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वाटर स्रोतों का, जो जल के स्रोत हैं उनका, उनका बचाव, उनका संरक्षण, एंड और पॉल्यूशन कंट्रोल और प्रदूषण नियंत्रण आर जस्ट नॉट बीइंग इन्फोर्स्ड, इन सभी को लागू नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो जो कानून है किस किस मुद्दे पर, पॉल्यूशन कंट्रोल, वाटर रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन, और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट, इन सभी पर जो कानून है इनको लागू नहीं किया जा रहा है। तो पहले प्रीपोजिशन के पहले वाला नाउन लॉज हो गया, ये प्लूरल है इसलिए आपका आ रहा है, लॉज आर जस्ट नॉट बीइंग मतलब इन्फोर्स्ड, इन्फोर्स्ड का मतलब इन्फोर्स, आप
आई एनफोर्स, आई एन इन एफ ओ आर सी, इन्फोर्स लागू करना होता है, और वो भी होता है क्रियान्वयन में होना, तो वो फ्रेज हो गया, ठीक है। तो लॉज यहाँ प्लूरल है, इसलिए आपको यहाँ आर लगाना, देख लिए आर लगा भी है। लॉज किस चीज़ पर नियम, इन तीन मुद्दों पर, जो नियम है, जो कानून है, वो कानून क्या है, लागू नहीं किए जा रहे हैं, चूंकि बींग है ना, आर बींग, इज एम आर बींग वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, पैसिव कंस्ट्रक्शन होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, तो वो इज एम आर बींग वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, द ऑफिशियल मशीनरी रिक्वायर्ड टू इन्फोर्स लीगल प्रोविजन विगोरसली, मतलब कहने का ये कह रहे हैं कि आधिकारिक मशीनरी का, मशीनों का रिक्वायर्ड मतलब आवश्यकता होगी टू इन्फोर्स, लागू करने के लिए लीगल प्रोविजन मतलब कहने का वैधानिक प्रावधानों को विगोरसली, विगोरस होता है ऊर्जावान, है ना, ऊर्जावान तरीके से, बिल्कुल होश के साथ, जोश के साथ। एंड और द इंफ्रास्ट्रक्चर टू मैनेज वेस्ट साइंटिफिकली आर इनएडिक्वेट, और जो ढांचा है किस चीज़ के लिए, टू मैनेज वेस्ट मतलब कहने का वेस्ट को मैनेज करने के लिए साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से आर इनएडिक्वेट, ये दोनों की दोनों क्या है, अपर्याप्त हैं। मतलब दो बात इन्होंने कही कि ऑफिशियल मशीनरी जो कि लागू होगी लीगल प्रावधानों को लागू करने के लिए वो हो गई, और दूसरा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है सॉलिड वेस्ट को साइंटिफिक वैज्ञानिक रूप से मतलब कहने का मैनेज करने का, प्रबंधन करने का, ये मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों के दोनों चीज़ें क्या हैं, आर इनएडिक्वेट, पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है। एडिक्वेट माने होता है सफिशियंट, इनफ, और इनएडिक्वेट हो गया नॉट इनफ, तो पर्याप्त नहीं है। मेकिंग इट, और बनाती हैं इसे अनलाइकली, असंभावित, असंभव बना देती हैं, दैट कि देयर विल बी सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ आउटकम्स, कि यहां पर महत्वपूर्ण जनता के स्वास्थ्य के नतीजे आएंगे, फ्लोइंग फ्रॉम, जो कि निकलेंगे कहाँ से, फ्लोइंग फ्रॉम हाई प्रोफाइल क्लीनिंग कैंपेन, उच्च स्तर के क्लीनिंग, साफ सफाई अभियान से निकलेंगे। तो मतलब कहने का साफ सफाई का उच्च स्तर के अभियान से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, वहाँ के हेल्थ के जो आउटकम्स हैं बहुत अच्छे आएंगे, ये क्या है, असंभव हो जा रहा है। तो मतलब कहने का कि आधिकारिक मशीनरी और ये इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, इन दोनों ही, ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं, अपर्याप्त हैं, और यही कारण है कि जो क्लीनिंग कैंपेन के, जो हाई प्रोफाइल क्लीनिंग कैंपेन है, उससे निकलने वाले स्वास्थ्य के बेहतर नतीजों की जो आशा है वो असंभावित हो जाती है। मेकिंग इट अनलाइकली, ये असंभावित कर देता है कि देयर विल बी कोई मतलब कहने का सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ आउटकम निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये संभावना खत्म हो जाती है, ठीक है। विदाउट फुल कमिटमेंट, बिना पूर्ण वचनबद्धता के, कैसी वचनबद्धता, टू दीज एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, इस प्रकार के विकास के पहलुओं पर, ठीक है, इस प्रकार के विकास के पहलुओं पर किसी भी पूर्ण वचनबद्धता के बिना, देयर इज लिटिल चांस, देयर इज लिटिल चांस मतलब नो चांस, कोई भी चांस नहीं है ऑफ मीनिंगफुली अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीनिंगफुली मतलब आर्थिक रूप, मतलब कहने अर्थपूर्ण रूप से अचीविंग, प्राप्त करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कहने का टिकाऊ विकास के लक्ष्य को, ऑन वाटर एंड सैनिटेशन, पानी और सैनिटेशन, साफ सफाई पर, एनी टाइम सून, कभी भी जल्दी ही, मतलब कहने का कि अगर हम इस प्रकार के विकास के ऐसे पहलुओं पर वचनबद्धता नहीं रखते हैं, इनके वचनबद्धता के बिना कोई भी अवसर, कोई बिल्कुल लिटिल चांस, ना के बराबर चांस होंगे, कोई भी मतलब कहने का चांस नहीं होगा कि हम प्राप्त कर पाएँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पानी और साफ सफाई को लेकर के, कहा एनी टाइम, कभी भी या जल्दी, कभी भी हम जल्दी प्राप्त नहीं कर सकते हैं अगर हमने ऐसा फुल कमिटमेंट नहीं किया इन सभी मुद्दों पर, कमिटमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं देर इज लिटिल चांस, आ लिटिल होता मतलब कहने का ना है थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे इन्होंने लिखा लिटिल चांस मतलब नो चांस, है ना। तो लिटिल आ लिटिल का अवसर क्या मतलब कैसे मीनिंग निकालना है वो आप सेंस से भी थोड़ा समझ सकते हैं भाई। सीधी सी बात है कि अगर डेवलपमेंट के ऐसे एस्पेक्ट्स में हम कमिटमेंट नहीं रखते हैं, पूरा डिटर्मिनेशन नहीं रखते हैं, तो फिर सीधी सी बात है कि डेवलपमेंट क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की लक्ष्य की बात तो दूर है, फिर खासकर जब पानी और साफ सफाई की बात हो तब तो और, क्योंकि हर व्यक्ति कचरा फैलाना ही जान रहा है ज़्यादातर। बिसाइड्स एंडिंग मैनुअल स्केवेंजिंग, बिसाइड्स मतलब के अलावा, एंडिंग समाप्त करने के, मैनुअल स्केवेंजिंग मतलब कहने का हाथ से कचरा साफ करने की जो प्रथा है उसको बंद करने के अलावा, द स्वच्छ भारत मिशन, जो स्वच्छ भारत मिशन है, मस्ट इंश्योर, उसको ये भी सुनिश्चित करना चाहिए दैट की, मतलब कहने का सिर्फ मैनुअल स्केवेंजिंग को समाप्त करना ही मुद्दा नहीं है, मैनुअल स्केवेंजिंग मतलब हाथ से साफ सफाई करने, कचरा बटोरने की जो प्रथा है इसको रोकने, इसको समाप्त करने के अलावा स्वच्छ भारत मिशन को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए दैट कि द मैनुअल क्लीनिंग, जो हाथ से साफ सफाई है, ऑफ सेप्टिक टैंक, जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं
उनकी हाथ से सीवर लाइन वगैरह कह सकते हो आप, सेप्टिक टैंक्स की हाथ से साफ सफाई, विच इज़ किलिंग सो मैनी वर्कर्स, जो कि कई सारे वर्कर्स को मार रही है ईच ईयर हर वर्ष, इज़ वो क्या है, इज़ स्टॉप्ड वो रोक दी जाए, एंड दैट फंड्स फॉर रिहेबिलेशन रीच देम, मतलब कहने का एंड दैट फंड्स फॉर द रिहेबिलेशन मतलब रिहेबिलिटेशन होता है पुनर्वास, रीच देम वहाँ तक उनके तक पहुँच जाए, ठीक है। तो पूरा यहाँ पर आप फिर से पढ़ लेंगे थोड़ा सा कि मतलब मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के अलावा स्वच्छ भारत मिशन को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो मैनुअल क्लीनिंग है वो क्या है, सेप्टिक टैंक्स की जो कि क्या बहुत सारे वर्कर को मार रही है, वो मैनुअल टीलिंग वो इस प्रकार की हाथ से साफ सफाई इज स्टॉप्ड वो रोक दी जाए, और क्या हो कर जाए, फंड्स फॉर रिहेबिलेशन रीच देम, और उनके पुनर्वास के लिए कम से कम उन पर पैसा पहुंच जाए। भाई वो क्या करते हैं, साफ सफाई करके किसी तरह काम चलाते हैं, तो मतलब कहने का उनको उनको फिर से पुनर्वास किया जाए, उनका घर बसाया जाए, कहने का मतलब उनको होम प्रोवाइड कराइए या फिर उनके लिए सही चीज़ें उपलब्ध कराइए और उनको पुनर्वास स्थापित करिए, है ना, ठीक से फिर से उनके लिए अच्छा जीवन यापन स्थापित करिए, ये कहने का मतलब है इनका, ठीक है। तो ये था साफ सफाई से रिलेटेड आपका एडिटोरियल, और इसमें आपने जो थोड़े बहुत डाटा है वो आपके काम के हैं, उनको आप देख लीजिए। बाकी हम पढ़ते हैं क्या कुछ वर्ड्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। स्वीपिंग मतलब क्या होता हैविंग एन इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन ए लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग, किस चीज़ के व्यापक मतलब कहने का प्रभाव होना बड़े क्षेत्र पे। क्लोज द गैप, इसको आप ध्यान दे लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है। टू मेक द डिफरेंसेस बिटवीन टू पीपल और थिंग्स स्मॉलर, दो लोगों के या फिर कह दो वस्तुओं के बीच का जो गैप है वो क्या, उसको कम कर देना, या फिर कि खामियों को दूर करना, तो क्लोज द गैप भी होता है, प्लग द गैप भी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेंगे, दीज मीजर्स आर एम्ड एट क्लोजिंग द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, मतलब कहने का इन जो ये जो उपाय हैं इनका लक्ष्य क्या है कि अंतर को कम कर दिया जाए अमीर और गरीब के बीच में, ठीक है। ये ऑन द ईवे ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑन द ईवे होता है पूर्व संध्या पर, द डे और इवनिंग बिफोर एन इवेंट, किसी इवेंट के पहले का डे या फिर उसकी पहले की इवनिंग, उसे कहते हैं क्या, ऑन द ईवे ऑफ, ठीक है। जैसे ऑन द ईवे ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब ये 14 अगस्त की बात करेंगे, ठीक है। तो ये आता है तो इसका मीनिंग अगर आपको पता है तो आप यहाँ से मीनिंग निकाल करके सेंटेंस को समझ पाएंगे, नहीं तो फिर आपको कोई मतलब नहीं है, स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। रेज का मतलब क्या होता है, टू ब्रिंग और कलेक्ट मनी, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, वी आर रेजिंग मनी फॉर चैरिटी, हम चैरिटी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इल्यूजिव होता है डिफिकल्ट टू फाइंड, ये वर्ड आपके एग्जाम में आ चुका है और ये कन्फ्यूजिंग वर्ड हो जाते हैं, भूल जाते हैं थोड़ा, क्योंकि ई से जितने वर्ड्स हैं ना बड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं, इलेबोरेट इल्यूजिव इस तरह, तो इनको याद कर लेना चाहिए आपको, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, आ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, टॉक्सिक वेस्ट की जो समस्या है उसका समाधान इज क्या हो रहा है, इज प्रूविंग इल्यूजिव, वो साबित हो रहा है, इल्यूजिव मतलब डिफिकल्ट टू फाइंड, उसे खोजना मुश्किल हो रहा है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, सॉल्यूशन किसी भी समस्या का सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम होता है, आंसर टू द क्वेश्चन होता है, तो ये प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इस चीज़ को आपको याद रखना है, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ठीक है, क्वेश्चन आंसर टू द क्वेश्चन, ठीक है, किसी चीज़ का आंसर तो आंसर टू द क्वेश्चन, ठीक है, इस चीज़ को आपको तैयार करना है, ये प्रीपोजिशन पूछे जा चुके हैं। परसिस्ट होता है कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, इसका मीनिंग देख लेंगे, द बिलीफ दैट अर्थ वॉज फ्लैट परसिस्टेड फॉर मैनी सेंचुरीज, यह विश्वास कि अर्थ जो है फ्लैट है परसिस्टेड ये व्याप्त रहा, एग्जिस्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट बना रहा फॉर मैनी सेंचुरीज, कई शताब्दियों तक ये जो मतलब विचार है ये विश्वास है वो बना रहा, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ वर्ड्स, बस इतने ही हैं जितने कि मतलब इंपॉर्टेंट समझ में आए, और ज़्यादा वोकैब है नहीं आज के एडिटोरियल में, ठीक है, और एडिटोरियल भी बहुत ईजी था, तो आप अपने से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि मतलब कहने का कि आपको कितने कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, अगर इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है ऐसे एडिटोरियल में तो फिर आपको रीडिंग की अच्छी खासी आ सकता है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, फिर मिलते हैं एक नया एडिटोरियल के साथ कल, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।